सर, ये स्टेडियम की दो टीमें हैं, ये बच्चों के सीनियर्स हैं। यहाँ पे खेलो इंडिया का सेंटर खुला है और ये बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तारिक साहब, आप हमारे जूरी में भी, जैसे पुंछ में आपने किया, अब बच्चों आपको पता होगा इनका बेटा जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर है वॉलीबॉल में, तो वो ये आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है रजौरी के लिए। रजौरी में जो है ड्रग्स वगैरह में हमारे यूथ जो है काफ़ी इन्वॉल्व हैं, तो ये जो स्पोर्ट्स में आता है तो वो ये भी एक बहुत बड़ी, अगर बच्चों का इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ेगा तो तब है। ये आपने सही बोला कि स्पोर्ट्स में हमारा रजौरी जो है पिछड़ा हुआ है, तो ये बड़ा एक अच्छी शुरुआत है। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ, बेस्ट विशेस कहता हूँ इस चैम्पियनशिप के लिए। तो जिस दिन कंक्लूड होगा उस दिन दोबारा मैं हाजिर हूँ। आपने अपना क्लब का नाम? इज्जत माँ DYSP हेडक्वार्टर मदरसा चौधरी साहब। मैं वॉलीबॉल एसोसिएशन रजौरी की जानब से आपका इस डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में दिल की गहराई से वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। सर, आपको बताता चलूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट रजौरी की एक चैम्पियनशिप होती है, इसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रजौरी का ही बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, अदर देन रजौरी डिस्ट्रिक्ट कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इस मरतबा हमारा बॉयज़ और गर्ल्स की दोनों की चैम्पियनशिप होती है, लेकिन गर्ल्स की चैम्पियनशिप हमने पोस्टपोन कर ली क्योंकि गर्ल्स की टीमें जो हैं वो हमारे स्कूल नेशन के जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है यूथ एसोसिएशन स्पोर्ट्स का, उसके लिए टीमें जो हैं वो डोडे जा रही हैं, तो लिहाजा उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होगी वो हमारी स्टेट चैम्पियनशिप कुपवाड़ा में होने जा रही है 28 से 30 सितंबर तक, उसके बाद जो है वो चैम्पियनशिप हम रजौरी यहीं पर करवाएंगे। तो अभी इस मरतबा सिर्फ हम बॉयज़ सेक्शन की चैम्पियनशिप हो रही है, इसमें कोई एज बार नहीं है, ये सीनियर की चैम्पियनशिप है। इसमें से हम दो टीमें जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट को, जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो यूटी चैम्पियनशिप होती है उसमें पार्टिसिपेशन करती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। तो इस डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में कुल मिला के 13 क्लब जो हैं रजौरी डिस्ट्रिक्ट के जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हर इलाके का, मैं समझता हूँ कि शायद ही रजौरी का कोई ऐसा इलाका होगा जिसकी टीमें यहाँ नहीं, मंजाकोट से लेके धर्मशाल और बगनोटी लमेड़ी तक तमाम टीमें यहाँ पे, इवन देन समोट से 2 टीमें आई हैं जो कि बहुत दूर का इलाका है यहाँ पे, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका होगा, तो शायद मेरी नज़र में वही होगा। लेकिन वहाँ से 2 टीमें आने का मतलब ये है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट रजौरी जो है वो स्पोर्ट्स में पिछड़ा हुआ है, लेकिन समोट जो है वो इनसे आगे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह वॉलीबॉल की जो पार्टिसिपेशन है वो होती रहेगी। और मुदस्सर साहब, आपको ये भी बताता चलूँ कि रजौरी के इस वक्त हमारे जो
खैबर मेडिकल इंस्टीट्यूट पुंछ में मुनक्किद करने जा रहे हैं 2 रोज़ा फ्री मेडिकल चेकअप कैंप। मोरखब 15 सितंबर बरोज शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक और 16 सितंबर बरोज शनिचरवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन और ईएनटी जैसे डॉक्टर्स की खिदमात हासिल रहेंगी। मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए लेबोरेटरी टेस्ट में 50% की छूट दी जाएगी। पहले से रजिस्ट्रेशन के लिए इन फ़ोन नंबर्स पर रबता कायम करें। फ़ोन नंबर से 9622603509 और 9419199006। मकाम अल हबीब दवा बाजार पॉली क्लिनिक नज़दीक लेबर सराय पुंछ।